Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the fifth part of the microorganism in which we will be discussing about the disease caused by microorganisms in animals and a plant. So let's discuss the topic. See, in the first point, disease caused by microorganisms in animals, there is a first disease name that is anthrax. Anthrax एक disease का नाम है जो कि काफ़ी dangerous disease है. ये ह्यूमन में भी होता है और कैटल्स में भी होता है. कैटल्स दैट इज़ फोर फुटेड एनिमल, काउ एंड बफेलोज. बट ये मेनली कैटल्स में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब उनमें ज़्यादा ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं. ऑब्वियसली ये ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं, बट ये कैटल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और कैटल्स के थ्रू ही ह्यूमन बींग्स में मेनली ये इन्फेक्शन होता है. ठीक है, और ये एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस. ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रोब्स का नाम है या माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम है, जो आप समझो. तो ये पर्टिकुलाइज किया गया है एंथ्रेक्स डिजीज़ के लिए, एंथ्रेक्स डिजीज नेम. एंड द बैसिलस एंथ्रेसिस इज़ अ बैक्टीरियल दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म नेम, और ये किस में होता है, ह्यूमन एंड कैटल्स में. ओके, और बैसिलस एंथ्रेसिस जो डिजीज़ है, जो एंथ्रेस जो डिजीज़ है, बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में, जो बैक्टीरिया है उसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने सर्च आउट किया था. ठीक है, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने 1876 में सर्च आउट किया कि ये जो डिजीज़ है एंथ्रेक्स, ये पर्टिकुलर इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड सेकेंड डिजीज नेम, दैट इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़ इन अ कैटल. जो फोर फुटेड एनिमल काउ बफेलोज है, इनके पैरों में या माउथ में जो इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में इस डिजीज़ का नाम रखा गया फोर एंड माउथ डिजीज़. डायरेक्टली इस डिजीज़ का ये नाम रखा गया. एंड द इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज वायरस, पहले वाले में बैक्टीरिया था, इसमें वायरस है. ठीक है, और इस वायरस का नाम क्या रखा गया है, एफ एम डी वी या पिकोरोना वायरस. आई रिपीट इट अगेन, इट्स नॉट अ कोरोना वायरस, इट्स अ पिकोरोना वायरस. ओके, और ये FMDV का फुल फॉर्म क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस. सिर्फ वायरस लगाना है आपके उस डिजीज़ के नेम में. आई रिपीट इट अगेन, फुट एंड माउथ डिजीज, ये एक टाइप का डिजीज़ है जो कैटल्स में होता है. ठीक है, और ये वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है FMDV या पिकोरोना वायरस. FMDV का फुल फॉर्म फुट एंड माउथ डिजीज के साथ क्या लगा देना है आपको, वायरस. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं माइक्रोब्स की वजह से, जैसे बैक्टीरिया फंगी वहाँ भी इन्फेक्शन करते हैं. तो उसके कुछ पॉइंट ऑफ लिस्ट है आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको. जैसे जो कॉमन डिजीज होता है माइक्रोब्स की वजह से, उसमें फर्स्ट नेम है सिस्ट्रस कैंकर. ये फर्स्ट डिजीज़ का नाम है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है. जैसे मीडियम ऑफ इन्फेक्शन क्या है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ये एयर के थ्रू ही सी रस्ट ऑफ वीट इज कॉज बाय द फंगी. रस्ट ऑफ वीट दैट मीन्स जैसे लोहे में जंग लगा रहता है ना, वैसे ही वीट में एक आपको लाइनिंग दिखेगी रस्ट टाइप की, मतलब रेडिश टाइप की कलर की, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट ऑफ वीट. ओके, जब भी धान के खेत को कभी देखो, उसमें आपको आउटर कवरिंग दिखेगी, वो फंगी की वजह से होता है. पर्टिकुलर माइक्रो पहला बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था और यह फंगी की वजह से होता है. और इसमें मोड ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज एयर एंड सीड्स बोथ. ये एयर में भी, एयर से भी इन्फेक्टेड हो सकता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है एयर की वजह से, या फिर सीड पहले से ही इन्फेक्टेड हो और वो इस डिजीज़ के साथ ही ग्रो करे. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ येलो वेन मोज़ेक ऑफ फुकारा. ये लेडीज फिंगर में मिलता है, दैट इज़ भिंडी. भिंडी जो वेजिटेबल है, आप उसमें जब देखोगे, उसे कट ऑफ करोगे तो आपको येलो कलर की लाइनिंग दिखेगी, येलो और रेड, समटाइम्स रेड इस टाइप की लाइनिंग जो दिखती है. और इवन लेडीज फिंगर की इनसाइड ही नहीं, आप इसके लीफ पे भी अच्छे से इसे वॉच कर सकते हैं, और लीफ का जो कलर है ना वो चेंज होने लगता है, मतलब ग्रीन कलर के लीफ पे
येलो येलो कलर की लाइनिंग दिखने लगेगी और धीरे धीरे वो लीफ येलो कलर में चेंज होने लगता है। इट्स हैपन ड्यू टू द वायरस, और ये वायरस की वजह से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट से ट्रांसमिट करते हैं, जैसे इसमें एयर होता था, इसमें एयर एंड सीड्स बोथ है, और इसमें इंसेक्ट्स की वजह से ये ट्रांसमिशन होता है। ओके, द लास्ट पॉइंट दैट इज़ जो प्लांट्स में इन्फेक्शन होता है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ऑब्वियसली वी यूज़ द केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इस टाइप से हम उसे यूज़ करके रोक सकते हैं। सी, आपके एनसीईआरटी बुक्स में ये डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम नहीं, हम इसे टेबल कहेंगे, ये टेबल दिया हुआ है, और ये कुछ एग्जांपल्स ये शो करने के लिए कि वो डिजीज दिखते कैसे हैं। ओके, सी, फर्स्ट पॉइंट सिस्टर्स कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, एयर, जैसे आप कोई भी फ्रूट्स ले लो, उस फ्रूट्स में आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेगा ब्लैकिश टाइप का, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सिस्टर्स कैंकर्स की वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं और ये धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं। ओके, ये एयर इन्फेक्शन है, इसलिए ये अगर एक फल ख़राब हो रहा है, एक फ्रूट ख़राब हो रहा है, आप एक जगह बहुत सारे फ्रूट्स को रख रहे हो और एक ख़राब हो रहा है, तो इसलिए कहा जाता है उस, मतलब वो जो स्पॉइल्ड फ्रूट है उसे हटा देने के लिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन दूसरे में होने लगता है और धीरे धीरे जब आप ध्यान नहीं दोगे तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और सारे के सारे फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है रस्ट ऑफ वीट, सी द डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जैसे लोहे में जंग लग जाती है वैसे ही इस वीट में ये डायग्राम आपको दिखेगा। इस डायग्राम में आप देखो रेडिश कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेट आई एम जूमिंग द टॉपिक, सी वीट में आप ये डायग्राम देख सकते हो कि कैसे इसमें रेडिश कलर की लाइनिंग दिख रही है, डॉटेड लाइनिंग, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट ऑफ वीट। और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड सीड्स बोट, ये किसकी वजह से होगा, फंगी की वजह से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ विंडी दैट इज ओकारा, येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकारा इन विंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप ओकारा भी सिर्फ डायरेक्ट बोल सकते हो। तो ये जो लेडी फिंगर में होता है, इसमें देखिए अब लीफ में ये डायग्राम बताया गया कि लीफ में कैसे येलो कलर की लाइनिंग हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है लाइनिंग, और उसके बाद धीरे धीरे ये लीफ येलो कलर में चेंज हो जाएंगे, इसके बारे में यह बताया गया है। और ये वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट ही इन्फेक्ट करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। एक अनदर पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, बट आप इसे बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हो, दैट इज़ शुगर केन। जो शुगर केन होता है ना, ईख जिसे कहते हैं, उसमें जब आप कट करते हो ना, या फिर आप खाते समय ध्यान दोगे, उसमें रेड कलर का लाइनिंग होता है या स्पॉट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेड रॉट, ठीक है, ये भी एक टाइप का डिजीज़ ही है, ये प्लांट डिजीज़ है, ये हमें हार्म नहीं करता, बट ये प्लांट डिजीज़ है, इसे रेड रॉट कहते हैं। इस टाइप के कुछ प्लांट डिजीज आप वॉच कर सकते हो अपने डेली लाइफ में भी, तो थोड़ा सा आप सर्च आउट करो इस पर भी। अभी आज के लिए इतना टॉपिक, नेक्स्ट टाइम हम फूड प्रिजर्वेशन पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन कीप स्टडी एंड बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।